नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह देंगे जिसका प्रयोग करने से आप अपने दांत दर्द, दांतों का खोखला होना या फिर दांतों में कीड़े लग जाना, इन सभी समस्याओं से बहुत ही आसान से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आजकल के इस पैशन भरे ज़िंदगी में लोग पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनसे उनके दांतों पे गंदगी, पीलापन और कालापन आता है। और दोस्तों, यही समस्या आगे चलकर आपके दांतों को सड़ा देती है, गला देती है या फिर आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और आगे चलकर आपके दांत दर्द भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी आपकी यह समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, ख़त्म नहीं हो पाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसका प्रयोग करने से आप अपने दांत दर्द, दांतों में लगे कीड़े या फिर दांतों में पायरिया की समस्या होना या फिर मसूड़े से खून आना, इन सभी समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो बन रहे इस वीडियो में और आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें ताकि आप इस नुस्खे को सही समझ पाएँ, आप इस नुस्खे का सही से प्रयोग कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतर नुस्खे को। उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बाजू में बने बेल घंटे को दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियो जानकारियाँ आप सभी को मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन और कारगर नुस्खे को। तो आपको इसमें सबसे पहले लेना होगा वो फ्रेंड्स एक गिलास की मात्रा में गर्म पानी। तो आप यहाँ पर ले लीजिए एक गिलास की मात्रा में गर्म पानी और फ्रेंड्स उसके बाद से आपको इसमें जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स फिटकरी की। दोस्तों, आपको मार्केट में दो तरह की फिटकरी मिलती है, एक ढेरदार फिटकरी और एक पैकेट में मिलती है। दोस्तों, पैकेट वाले फिटकरी में मिलावट होती है, लेकिन दोस्तों ढेरदार फिटकरी में थोड़ा सा भी मिलावट नहीं होती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल दाढ़ी एवं मूछों में अक्सर किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसे लाएँ मार्केट से खरीद कर और इसे एक पाउडर के रूप में इस तरह से तैयार कर लें। और फ्रेंड्स, तैयार कर लेने के बाद आप क्या करें, लगभग इसमें थोड़ी सी मात्रा, लगभग आप इतनी मात्रा में इसकी मात्रा लें और इस पानी में, गर्म पानी में डाल दें और आप इसे मिला करके रोज़ाना पिए। दोस्तों, आप ऐसा करते हैं तो आपके दांत दर्द की समस्या बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसकी मात्रा थोड़ी सी ले करके और आप इसमें सरसों के तेल के साथ इसे मिला करके और अपने दांतों पे रख सकते हैं। इस तरह से आप ले लीजिए सरसों का तेल और इसमें इसे मिला लीजिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, आप ऐसे मिला करके और एक रुई की सहायता से अपने दांतों में दबाते हैं तो इससे भी आपके दांत दर्द की समस्या बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और अपने दांत दर्द, दांत में लगे कीड़े या फिर दांतों में पायरिया का हो जाना या फिर दांतों का खोखलापन होना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाइए।